नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट पर आइए एक नजर डालते हैं। गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई राधा कुंड में डुबकी। जून माह में पड़ने वाले गंगा दशहरा पर्व पर जहां पूरे देश के में लोग अपने अपने पूजा पाठ भक्ति भाव पूर्ण कर्मों से पूर्ण फल की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, वहीं गोवर्धन के राधा कुंड में आज हजारों श्रद्धालुओं ने राधा कुंड में स्नान करके गंगा दशहरे की पर्व पर पूर्ण फल की प्राप्ति की मनोकामना की। आसपास के क्षेत्रों से तथा दूर दराज से आए हुए हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने एक साथ राधा कुंड में आचमन कर डुबकी लगाई और गिरिराज जी की परिक्रमा की। आज के दिन गंगा यमुना में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं, इस कारण गंगा दशहरा का विशेष महत्व बताया गया है। अच्छा, यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु राधा रानी कुंड में नहा रहे हैं, क्या महत्व है सर? हाँ, दशहरा है, गंगा नहाने का महत्व है, लेकिन गंगा जो लोग नहीं जा पाते हैं तो यहाँ राधा कुंड या जितने भी तालाब तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ लोग स्नान करते हैं और गंगा का पवित्र करते हैं। अच्छा, राधा रानी का कोई स्पेशल कोई क्या महत्व है इसका? यहाँ संतानोपलक्षी का सबसे बड़ा महत्व है। लोग जोड़े से नहाते हैं, जिन कपड़ों से नहाते हैं कपड़ों को यहीं छोड़ देते हैं, फल दान में देते हैं, राधा रानी उनको पुत्र दान देती है। आप मैं रहने वाली आप। अच्छा, आज राधा रानी कुंड में आप नहा रही हैं, क्या महत्व है इसका, किस लिए नहा रही हैं आप? क्योंकि यहाँ से बहुत लोग गंगा जी के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ से तो राधा रानी पास में, इसलिए आज दशहरा के दिन नहाने का बहुत पर्व होता है, इसलिए दूर दूर से जनता यहाँ राधा रानी के दर्शन करती है, नहाती है, परिक्रमा देती है। क्या महत्व गंगा दशहरा का, क्यों नहाते गंगा दशहरा? क्यों ना